वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूँ मिष्टी और आज मैं आप सबके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आज कोई हॉल वीडियो नहीं है, आज प्रोडक्ट रिव्यू है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट रिव्यू अपने ऊपर अप्लाई करके प्रोडक्ट्स उसकी रिव्यू देना पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। समर है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी स्किन के साथ साथ आपकी स्कैल्प पर भी स्वेट होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है स्कैल्प पर, और इस समय ना वो स्टिकी सा डैंड्रफ आ जाती है, हेयर फॉल होने लग जाती है, तो बाल की स्किन की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। आपको इस समय अपनी हेयर की ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ताकि बाल ना झड़े। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हेयर की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे, तो आज मैं जो रिव्यू देने वाली हूँ वो ध्यान से देखना गाइज, आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। आज मैं जो प्रोडक्ट की रिव्यू आपके सामने लाने वाली हूँ वो है स्टामियो ब्रांड की 5 हेयर पैक है गाइज। यह है आंवला, भृंगराज, हिबिस्कस, रीठा, शिकाकाई की पैक। ये मैंने खरीदी नहीं है, ये ब्रांड ने मुझे सेंड की है, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप पहले यूज करो, अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप रिव्यू देना। हाँ मैंने इसे यूज की है गाइज, मैंने इसे 2 बार यूज कर चुकी हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी वो क्लिप्स। पहले जो पाउडर है वो है आंवला पाउडर। आंवला हम सभी जानते हैं, इसे इंडियन गूजबेरी कहते हैं। ये एक हमारी बालों के लिए, हमारी हेयर के लिए एकदम लाइक मैजिशियन माना जाता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रही होंगी इसकी बेनिफिट क्या है। ये एक तो आपकी स्कैल्प की कंडीशनिंग हो जाती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है, इंक्रीज हेयर वॉल्यूम, इट रिड्यूसेस डैंड्रफ, ट्रीट लाइक अगर आपकी लाइस है, क्योंकि बच्चों की भी हो सकती है, क्योंकि इस समय ना समर में स्वेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्वेटिंग की वजह से कभी कभी लाइक इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है बालों पर, तो वो भी इससे दूर हो जाएगी, इतनी अच्छी वाली है। और नॉट ओनली दैट, अगर आपकी आंवला पाउडर, आंवला से आप सभी जानते हो कि जो हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, इतनी अच्छी वाली है। एंड नाउ नेक्स्ट है रीठा पाउडर। सो रीठा पाउडर वो भी लाइक सोप नाट कह जाती है, इसमें हेयर स्प्लिटेंस रिपेयर करती है, फ्लाइट्स, इट फाइट्स अगेंस्ट डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम स्कैल्प, मेक्स योर हेयर शाइनियर, सॉफ्टर, स्मूदर। ये ना आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, तो जरूर ये पाउडर भी यूज करना गाइज। नाउ नेक्स्ट है शिकाकाई पाउडर। इसकी जो बेनिफिट है गाइज, ये आपकी जो हेयर ग्रोथ है इसकी, उसको बहुत ज्यादा हेल्दी बना देती है, इट डील्स विद ड्राइनेस एंड इचिंग, एड शाइन टू योर हेयर, इट इंटेंसीफाई द वॉल्यूम ऑफ हेयर, एंड इसे आपकी जो बाल है उसे बहुत ज्यादा मैनेजेबल। सच में गाइज, इसे अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कोई कंडीशनर यूज ही नहीं की, क्योंकि इतनी अच्छी वाली थी ना, एकदम स्मूथ सा एक इफेक्ट मुझे मिल रहा था इसे यूज करने के बाद। हाँ, आप जब भी आप कोई भी हेयर पैक यूज करते हो, एक बार में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आप उसी समय उसको अपने बालों को टच करके आपको पता चल जाएगा कि अगर ये स्मूथ दिख रही है, अगर ये आपको मैनेजेबल दिख रही है, तो ये पैक आपके ऊपर काम कर रही है, और ये इतनी अफोर्डेबल है ना कि आप इसे इजीली एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो। नाउ नेक्स्ट है भृंगराज पाउडर। ये लीफ पाउडर है गाइज, भृंगराज पाउडर। इसकी जो बेनिफिट है, हम सबको पता है, इट रिड्यूसेस हेयर फॉल, रिड्यूसेस हेयर थिनिंग। अगर आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, बहुत पतली हो जा रही है, एक एक जो स्ट्रैंड है आपकी हेयर की वो उसे मोटी कर देगी, तो बहुत ज़्यादा बहुत आसानी से टूटेगा नहीं, और इट कंट्रोल्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आल्सो, एंड इट क्योर्स इची स्कैल्प आल्सो। सो ये भी एक बहुत भृंगराज एक बहुत बहुत लाइक इफेक्टिव माना जाती है हमारी हेयर के लिए। और लास्ट जो है वो है हिबिस्कस पाउडर स्टामियो ब्रांड से। और हिबिस्कस बालों के लिए तो हम सभी जानते हैं कि क्या है ये हमारी बालों के लिए। इट स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ, इट टेंड्स टू रिड्यूस हेयर फॉल, इम्प्रूव्स हेयर टेक्सचर, इम्प्रूव्स लाइक आपकी जो हेयर की जो अभी मैं बोल रही थी भृंगराज पर भी, कि जो एक एक बाल, अगर आपकी एक एक स्ट्रैंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा थिन हो गई है ड्यू टू कलरिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कलर करती हूँ गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इट गिव्स नेचुरल एक ग्लो ला देती है आपकी हेयर की ऊपर, तो आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप चाहो तो आप एक एक पाउडर की पेस्ट अलग से बनाकर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो आप ये 5ों को एक साथ मिलाकर दही पर, या फिर लाइक सादा पानी से, या फिर सिर्फ, या फिर आप कोकोनट ऑयल मिलाकर, या फिर आप
लाइक एलोवेरा जेल पर मिलाकर कई बहुत बहुत तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। हर एक को अगर आप मिला लोगे और इसके साथ अगर आप एलोवेरा जेल और जो ऑलिव ऑयल ये सब अगर आप मिला लोगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी हेयर कितनी स्मूथ हो सकती है। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक भी इस पे मिला सकते हो, आप ऐसे भी इस पांचों को मिलाकर यूज कर सकते हो। हफ्ते में एक बार तो बनता ही बनता है, अगर बहुत अच्छी है अगर आप दो बार यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी समर आ गई है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो प्लीज गाइज जरूर इसे यूज करो, आई होप आपको जरूर अच्छी लगेगी। और मैं आपको आफ्टर मैंने इसे सुखाने के बाद मैंने कोई भी सीरम अप्लाई नहीं की थी, मैं कुछ भी अप्लाई नहीं की थी। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी सुंदर से मेरी बाल जो है वो मैनेजेबल लग रही थी मुझे। हाँ, हेयर ग्रोथ तो आपको एक दिन में पता नहीं चलेगी, लेकिन हाँ सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छी वाली है, केमिकल फ्री है और हर एक प्रोडक्ट हेयर के लिए बहुत एफिशिएंट माना जाता है, तो ज़रूर ये काम करेगा बालों के ऊपर। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है, बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, तो एक बार तो आप इसे ट्राई कर ही सकते हो। आई होप मेरी आज की ये रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है ना तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि आप इसे ले रही हो या नहीं। मैं बाइंग लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की, आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर इसे एक बार यूज करना। मैं हमेशा ऑनेस्ट वाली रिव्यू देती हूँ गाइस, तो प्लीज एक बार इसे यूज जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय, टेक केयर।